हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ज्योतिष ऊर्जा में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है आप नया कुछ सीखने के लिए पामिस्ट्री में रेडी होंगे। आपके पास पेपर और पेन होगा और आप ये सब चीज़ें नोट करेंगे जो मैं आज यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। पहली दो वीडियोस में हमने ट्राइंगल्स की बात की थी कि ट्राइंगल जो हैं वो माउंट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट देते हैं, और ट्राइंगल जो हैं वो उंगलियों के पोरों के ऊपर यानी कि फिंगर्स के जो फेलेंजेस होते हैं उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट देते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रायंगल्स जो हैं वो लाइंस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट देते हैं। हमारे हाथ में जितनी भी लाइंस हैं, जितने भी माउंट्स हैं, उनके ऊपर हर कोई जो भी सिंबल्स हैं वो अलग अलग इफ़ेक्ट देते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर तीन तीन वीडियोस में आपको हर एक सिंबल के लिए समझाने की कोशिश की है। अगर आप पामिस्ट्री को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि सारे वीडियोज़ को देखने के बाद आपको पामिस्ट्री बहुत अच्छे से आ जाएगी, इसलिए इस वीडियो को भी आप अंत तक देखें। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ लाइन की। ये हमारी जो लाइफ लाइन है, अगर इसके ऊपर कोई भी ट्रायंगल की मार्किंग हो रही हो, क्योंकि काफ़ी हाथों पर देखा जाता है कि इस प्रकार से ट्रायंगल्स जो हैं वो बनते हैं लाइफ लाइन के ऊपर, तो ये जो इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी जाने वाली है, आपकी उम्र बहुत अच्छी है, बहुत लंबी है। ये बहुत अच्छा साइन है लाइफ के लिए, और साथ में लाइफ लाइन के ऊपर बनने वाले जो ट्राइंगल्स हैं वो आपको तरक्की भी देते हैं। माना जाता है कि ऐसे जो ट्राइंगल कहीं भी बना हुआ हो, ये ज़रूरी नहीं है कि ट्राइंगल लास्ट में बना हो या फर्स्ट में बना हो, कहीं भी ट्राइंगल बना हो, बस उसके साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई क्रॉस मार्किंग ना हो रही हो। इस प्रकार से मैं ड्रॉ करके बताती हूँ कि इस प्रकार से जो ट्राइंगल है उसे हम ट्राइंगल नहीं मानेंगे। इस प्रकार से क्रॉस मार्किंग नहीं होनी चाहिए, ट्राइंगल जो है वो पूरे तरीके से बना हुआ होना चाहिए इस प्रकार से, तो ये अच्छा ट्राइंगल माना जाता है। और ये प्रॉपर्टी को भी दर्शाता है कि ऐसे व्यक्तियों के पास अच्छी प्रॉपर्टी भी हो सकती है। आगे है हमारी हेडलाइन, जिसे हम ब्रेन लाइन भी बोलते हैं। यहाँ जो मैंने ड्रॉ की हुई है ये हमारी हेडलाइन है। हेडलाइन के ऊपर अगर कहीं भी ट्राइंगल बनता है तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। ऐसे व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं, एजुकेशन में ये बहुत अच्छा करते हैं। आप अपने बच्चों के हाथ पर देखिए, अगर इस प्रकार की ट्राइंगल की मार्किंग है तो ऐसे बच्चे काफ़ी अच्छा एजुकेशन में करते हैं। आपको उनकी स्टडी की फ़िक्र करने की शुरू से ही ज़रूरत नहीं है अगर इस प्रकार की मार्किंग्स हो रही हो, क्योंकि ट्राइंगल जो है वो किसी भी लाइन की फंक्शनिंग को बहुत बढ़ा देता है, उसके बल को बहुत बढ़ा देता है, उसकी शक्ति को बहुत बढ़ा देता है, इसलिए उसे बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर ट्राइंगल की मार्किंग ब्रेन लाइन के ऊपर व्यक्ति को उसकी स्टडी से काफ़ी फ़ायदा पहुँचाती है। ऐसे बच्चे जो होते हैं वो अपनी स्टडी जो भी उन्होंने पढ़ा है उसी के मुताबिक वो कोई बिजनेस करेंगे या कोई जॉब कर सकते हैं। मतलब आप वो स्टडी से हटकर नहीं करेंगे, जिस फील्ड में उन्होंने स्टडी की है उसी फील्ड में वो तरक्की करते हैं। अगर हमारी हार्ट लाइन के ऊपर, ये जो तीसरी मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है ये हमारी हार्ट लाइन है, अगर इसके ऊपर इस प्रकार से ट्रायंगल की फॉर्मेशन कहीं भी हो रही हो तो ये भी एक अच्छा साइन है। ये दर्शाती है कि एक एज के बाद, जब आप थोड़ी सी बड़ी एज में पहुँच जाते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरक्की मिलती है, यानी कि आपको नियर अबाउट 45-50 के बाद जो है वो काफ़ी तरक्की मिलती है। आपका जो बुढ़ापा है आने वाला वो काफ़ी अच्छा गुजरता है, तो ये भी एक अच्छा साइन है। हार्ट लाइन के ऊपर अगर ट्राइंगल बनता है तो एक एज के बाद आपको अपनी सिक्योरिटी महसूस होती है, आपको उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। आगे चलते हैं हमारी हेल्थ लाइन के ऊपर। ये हमारी हेल्थ की लाइन है, जिसे हम बुध रेखा भी बोलते हैं। अगर इसके ऊपर ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही हो तो ट्राइंगल की फॉर्मेशन यहाँ ये दर्शाती है कि आपकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके साथ आपको बाकी की मार्किंग्स को भी देखना ज़रूरी है। मैं हमेशा ही हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि एक साइन को देखकर कभी भी प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बैड मार्किंग्स हैं तो एक जो अच्छी मार्किंग है उसका रिज़ल्ट बहुत कम हो जाता है, इसलिए बाकी की सभी मार्किंग्स को देखना बहुत ज़रूरी है। परंतु स्वास्थ्य रेखा के ऊपर यहाँ पर ट्राइंगल बनना बहुत अच्छा है, इससे आपकी हेल्थ हमेशा ठीक रहेगी, आपको हेल्थ के लिए भी कोई इशू नहीं आएगा, चिंता करने की आवश्यकता यहाँ नहीं महसूस होती।
आगे है हमारी सनलाइन जो अनामिका उंगली के नीचे, ये हमारी जो यहाँ पर मैंने ड्रॉ की है ये हमारी सनलाइन है। अगर इसके ऊपर कोई ट्रायंगल बनता हो तो ये भी एक अच्छा साइन है, ऐसे व्यक्तियों को फेम ज़रूर मिलता है अपनी लाइफ में, या ये कह सकते हैं कि इनको थोड़ी सी एज के बाद फेम मिल सकता है, यानी कि अपना जो 25, 30, 35 के बाद इन्हें फेम मिलना शुरू हो सकता है, और ये इंटरनेशनल फेम को भी दर्शाती है क्योंकि सनलाइन एक ऐसी लाइन है जो आपको फेम ज़रूर दिलवाती है। हो सकता है कि आपको जॉब भी इससे मिल जाए, और साथ में अगर इसके ऊपर ट्रायंगल की फॉर्मेशन है तो ये इंटरनेशनल फेम तक भी दिलवा सकती है व्यक्ति को। तो यहाँ पर ट्रायंगल का होना बहुत ही एक अच्छा साइन है, परंतु सबसे बड़ी बात ध्यान में रखने वाली है कि ट्रायंगल यहाँ पर दूषित नहीं होना चाहिए, एक परफेक्ट ट्रायंगल बनना चाहिए, तभी ये जो कंडीशन है वो अप्लाई हो सकती है। आगे हम बात करते हैं अगली लाइन की, जो है हमारी फेट लाइन। फेट लाइन जिसे हम भाग्य रेखा बोलते हैं, यहाँ जो ड्रॉ की है ये फेट लाइन है। फेट लाइन के ऊपर, यहाँ आप ध्यान से सुनिए इस बात को कि फेट लाइन के ऊपर कहीं भी अगर ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। सिर्फ यही एक लाइन है जिसके ऊपर अगर ट्रायंगल बनता है तो इसे हम अच्छा नहीं मानते। ऐसे व्यक्तियों को सक्सेस बहुत मुश्किल से मिलती है अपनी लाइफ में। कई बार लोग इस बात को देख लेते हैं कि उनकी फेट लाइन के ऊपर जो ट्रायंगल्स हैं वो उन्हें इफ़ेक्ट क्यों नहीं कर रहे और उनको सफलता क्यों नहीं मिल रही। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि फेट लाइन के ऊपर अगर ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है तो वो अच्छी नहीं मानी जाती। आगे है हमारी मून की लाइन। अगर मून के ऊपर कोई लाइन्स ऐसे इस प्रकार से बनती हों और उसके ऊपर ट्रायंगल बनता हो तो इस ट्रायंगल को बहुत अच्छा मानते हैं, और माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति विदेश यात्राएं बहुत ज़्यादा करते हैं, विदेश में इनका अच्छा बिजनेस भी चल सकता है, विदेश से इनको फ़ायदा भी हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है बताना चाहती हूँ ट्रायंगल्स के लिए। कई बार हमने देखा है कि ट्रायंगल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं हाथ के ऊपर, तो ये वैसे तो एक ऑस्पिशियस साइन है, परंतु अगर इसकी मात्रा जो है वो बहुत अधिक हो जाएगी तो भी इसे अच्छा नहीं कह सकते। ये अच्छी नहीं है कि इतने ज़्यादा ट्रायंगल्स ही ट्रायंगल्स अगर हाथ में हों तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे व्यक्तियों को जो तरक्की है वो बहुत धीरे मिलती है, और साथ में ऐसे व्यक्तियों की जो नेचर है वो भी थोड़ी सी झगड़ालू हो जाती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रायंगल्स का होना अच्छा नहीं माना जाता। किसी एक स्पेसिफिक लाइन माउंट या फिंगर के ऊपर अगर ट्रायंगल बनता है तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, तो इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। चलिए ये तो थी अब ट्रायंगल्स की बात। ट्रायंगल्स के लिए मैंने तीनों वीडियोस को कंप्लीट कर दिया है, आप उसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अगर आपने तीनों वीडियोस को देखा है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, इसे शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोज़ को मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ और आपको ऐसे ही पामिस्ट्री को सिखाती रहूँ। थैंक यू।